दोस्तों, यदि आपके भी फेसबुक आईडी पे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आया है मोनेटाइजेशन इंपैक्ट करके, और आपने फेसबुक के जिस भी टूल्स से अपने आईडी को मोनेटाइज किया था वो सभी डिमोनेटाइज हो गया है कुछ इस तरह से, तो फिर इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का जो प्रॉब्लम है ये आईडी पे क्यों आता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, और यदि ये प्रॉब्लम आ चुका है तो कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपके आईडी पे ये प्रॉब्लम आ गया है फिर भी आपको इस वीडियो को देखना है, यदि प्रॉब्लम नहीं आया है तो फिर भी आपको इस वीडियो को देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सभी डिटेल्स में बताने वाला हूं जिसके वजह से ये मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम आता है और आपका अर्निंग जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, अर्निंग बंद हो जाता है, और जितना भी अर्निंग टूल्स होता है वो सभी डिमोनेटाइज हो जाता है। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं इनका एड ऑन रील्स से मोनेटाइज था, इनका एड ऑन रील्स जो है यहां पे देख सकते हैं ये रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, यहां पे एड ऑन रील्स से इनकी अर्निंग नहीं हो रही है। बाकी जितने टूल्स थे ये कुछ इस तरह से यहां पे देख सकते हैं डिमोनेटाइज हो गया है। तो बस वीडियो को एंड तक देखिए, आगे चल के इसका सलूशन भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे जो ये जो इशू है ये क्यों आता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और दोस्तों आगे जो आपको डाटा दिखाएंगे वो सभी डाटा बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो इसीलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए फेसबुक का मेटा का जो साइट है वहां से हमने कुछ डाटा कलेक्ट किया है जिसमें आपको बताएंगे जो ये मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम और अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड का प्रॉब्लम क्यों आता है। तो इसमें सबसे पहला जो होता है पेवट का इशू, कुल यहां पे 6 से 7 टॉपिक है जिसके बारे में आपको बताएंगे जो इसी के वजह से मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम आता है। इस सभी में से कोई भी एक प्रॉब्लम आपके आईडी पे है तो आपका जो भी अर्निंग टूल्स है वो डिमोनेटाइज हो जाएगा और आपके आईडी पे जो है मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो पहले आपको ये सभी बता देंगे, देन लास्ट में आपको इसका सोल्यूशन भी बताएंगे, और हम गारंटी लेते हैं जो 7 से लेकर 15 दिन में आपका ये अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड और ये जो मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम आया ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे देखिए प्योर टिश्यू, जी हां दोस्तों, इसको प्रॉब्लम के आने में प्योर टिश्यू का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है। यहां पे आपको एक टैक्स इंफॉर्मेशन दिख रहा होगा, यदि आपकी आईडी पे कुछ इस तरह से एड योर टैक्स इंफॉर्मेशन टू गेट पेड का ऑप्शन आया हुआ है, मतलब कि आपकी आईडी पे टैक्स इंफॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन आया है, और यदि आप इसको 1.5 से 2 महीना में नहीं करते हैं तो आपका जो भी अर्निंग सोर्स रहेगा वो सभी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और आपकी आईडी पे कुछ इस तरह से जैसे कि यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा वो आ जाएगा और अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड और आपके आईडी पे मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा। दूसरा जो इसका होता है इसी में पैन कार्ड या फिर बैंक डिटेल्स, यदि आप पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स अच्छे से नहीं फिल करते हैं तो भी आपके आईडी पे अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड और फिर वहां पे जो इशू होता है मोनेटाइजेशन इंपैक्ट वाला वो आ जाएगा। जैसे कि यहां पे देखिए आपको दिख रहा होगा एड ऑन रील्स एड योर पेआउट अकाउंट, तो यदि आप पेआउट अकाउंट 1.5 से 2 महीना के अंदर सेटअप नहीं करते, मतलब कि पेआउट अकाउंट सेटअप करने का ऑप्शन आ चुका है, आपने उस पर क्लिक भी कर दिया लेकिन क्लिक करने के बाद आप अपना अकाउंट यहां से सेटअप नहीं कर रहे हैं, नहीं टैक्स इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, तो आपके आईडी पे कुछ इस तरह से जो है मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम आएगा और आपका जो भी यहां पे अर्निंग सोर्स रहेगा वो सभी डिमोनेटाइज हो जाएगा। तो इस चीज को आपको एक बार चेक कर लेना है, यदि आपकी आईडी पे कुछ इस तरह का इशू आया है मोनेटाइजेशन इंपैक्ट वाला तो चेक कर लीजिएगा जो आपका टैक्स इंफॉर्मेशन सही से आपने फिल करा है या नहीं, आपकी आईडी पे कुछ इस तरह का इशू तो नहीं है, पैन कार्ड और बैंक डिटेल सही से फिल किया है या नहीं, आपकी आईडी पे ऐसा वाला तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, और लास्ट आपको चेक कर लेना है जो किस किस टूल से जो है आपका मोनेटाइज था और कौन कौन सा टूल्स यहां पे रेड हो चुका है और सभी डिमोनेटाइज हो चुका है। तो पहला तो आपको बता दिया, इसका दूसरा क्या होता है, मतलब दूसरा जो प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का ऑप्शन आता है वो है रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, मतलब कि बहुत से लोग क्या करते हैं रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी जो कैटेगरी फेसबुक पे अलाउ नहीं है उस कैटेगरी का वीडियो बनाते हैं और फेसबुक पे डालते हैं, जिसकी वजह से उनका जिस भी टूल से फेसबुक आईडी मोनेटाइज रहता है वो डिमोनेटाइज हो जाता है और मोनेटाइजेशन इंपैक्ट वाला प्रॉब्लम आ जाता है, जिसमें आप फेसबुक पे सेक्सुअल वीडियो या फिर फोटो नहीं डाल सकते हैं, कोई न्यूडिटी वाला वीडियो नहीं डाल सकते हैं, कोई सा भी सेक्सुअल रिलेटेड वीडियोस नहीं डाल सकते, यदि आप ऐसा डालते हैं तो जिस भी टूल से आपका आईडी मोनेटाइज है वो डिमोनेटाइज हो जाएगा, आपकी आईडी पे मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा। यहां पे उसके आगे जो है सुसाइड रिलेटेड फोटो या वीडियो, मतलब कि कोई ऐसा फोटो जिसमें कोई व्यक्ति सुसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ का नस वस काट लिए हैं या फिर एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा वीडियो या फिर फोटो आपको नहीं डालना है, यदि इस तरह का डालते हैं तो आपका जो मोनेटाइजेशन टूल्स है वो डिमोनेटाइज
मोनेटाइज हो जाएगा और आपके आईडी पे मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद आपको न्यूड पिक, न्यूड रील्स और कोई भी बच्चा का, जैसे कि यहां तक कि आपके घर में जो बच्चा होगा उसका भी न्यूड फोटो, मतलब कि बिना कपड़ा वाला फोटो नहीं डालना है, बिना कपड़ा वाला रील्स बना के नहीं डालना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बच्चा का बिना कपड़ा वाला रील्स बना के फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं, तो इसके वजह से भी आपका जो भी मोनेटाइजेशन टूल्स रहेगा वो डिमोनेटाइज हो जाएगा, आपके आईडी पे मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद होता है फोटो पर सॉन्ग लगा के रील्स कैटेगरी में डालना। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने फोटो पे सॉन्ग लगा देते हैं, मतलब जो उनका पर्सनल फोटो होता है उस पे सॉन्ग लगा के और फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। जैसे कि इनके आईडी पे भी मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम आया हुआ है, तो देखिए इनके आईडी पे बहुत सारे इशू है, जिसमें से आपको हम कुछ इशू दिखाते हैं। यहां पे हम रील्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, तो इन्होंने बहुत से रील्स कैसा अपलोड किया, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं इन्होंने अपने फोटो पे सॉन्ग लगा के पोस्ट कर दिया, यहां पे भी अपने फोटो पे सॉन्ग लगा के और रील्स के कैटेगरी में पोस्ट कर दिया है। इसी वजह से इनका मोनेटाइजेशन जो ऐड ऑन रील्स से है वो डिमोनेटाइज कर दिया गया है। यदि आप फोटो पे सॉन्ग लगा के पोस्ट करना चाहते हैं तो फोटो की कैटेगरी में पोस्ट करिए, रील्स की कैटेगरी में नहीं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, रील्स के कैटेगरी में आपको यहां पे फोटो पे सॉन्ग लगा के नहीं डालना। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंदर आता है और आपका आईडी जो है वो डिमोनेटाइज हो जाएगा। जैसा कि यहां पे देख सकते हैं आपका ऐड ऑन रील्स इनका यहां पे डिमोनेटाइज हो चुका है। और यदि आप रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी वाला वीडियो डालते हैं तो कुछ इस तरह से आपका आईडी जो है वो डिमोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद यहां पे जो एक और इशू होता है वो अनओरिजिनल कंटेंट का होता है, मतलब कि अनओरिजिनल कंटेंट के वजह से भी आपके आईडी पे जो मोनेटाइजेशन इंपैक्ट वाला प्रॉब्लम आएगा और आपका जो अर्निंग सोर्स है वो डिमोनेटाइज हो जाएगा। यहां पे बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट वीडियो डालते हैं, YouTube, Instagram, WhatsApp या फिर अदर किसी ऐप से वीडियो को डाउनलोड करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें एडिटिंग करते हैं और वहां पे Facebook पे वीडियो को अपलोड कर देते हैं। तो यदि आप भी कुछ इस तरह का वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका भी आईडी आगे चल के डिमोनेटाइज हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं लेकिन हमारा तो कुछ नहीं हुआ, तो दोस्तों ये बता के नहीं आता है, अचानक आपकी आईडी पे आएगा। हो सकता है आप $500-600 अर्निंग कर ले और जब आपका पेमेंट आने वाला रहे तभी आपके आईडी पे मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम आ जाए, आपका सभी टूल्स डिमोनेटाइज हो जाए। तो इसीलिए आपको अनओरिजिनल कंटेंट वाला वीडियो नहीं डालना है। आप अगर डालते हैं अनओरिजिनल कंटेंट वाला वीडियो तो कम से कम उसमें आपका 50-60% आपका फेस वैल्यू, आपका आवाज होना चाहिए, तभी आपको यहां पे अनओरिजिनल कंटेंट से अर्निंग हो सकती है और आपके आईडी पे मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि आप अनओरिजिनल कंटेंट वाला वीडियो डालते हैं तो आगे चल के कुछ इस तरह से दिखाएगा और यहां पे जो भी आपका टूल्स रहेगा, चाहे वो ऐड ऑन रील्स हो, इन स्ट्रीम ऐड हो, स्टार हो या फिर बोनस हो, सब यहां पे डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन यहां पे होता है जिसके वजह से मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम आता है, वो है स्ट्राइक, प्रमोशन लिंक, वेबसाइट और एप्स के वजह से। मतलब कि यदि आपके आईडी पे कुछ इस तरह का इशू दिख रहा है, मतलब कि स्ट्राइक का इशू दिख रहा है, तो भी आगे चल के कभी भी आपके आईडी पे मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, आपका जिस भी टूल से मोनेटाइज है वो डिमोनेटाइज हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप इन एस्टीमेट का सेटअप कर रहे हैं तो वो भी रिव्यू में जा सकता है। यदि आप किसी लिंक का प्रमोशन करते हैं तो भी आपके आईडी पे कुछ इस तरह का इशू आ जाएगा, मतलब कि कोई सट्टा वाला ऐप हो गया, कोई अनलीगल ऐप हो गया, उसका यदि आप लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं तो उससे भी आपके आईडी पे फर्क पड़ेगा, आपका आईडी डिमोनेटाइज हो जाएगा। यदि आप किसी वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं, किसी ऐप का प्रमोशन करते हैं अपने फेसबुक आईडी पे जो कि अनलीगल माना जाता है, सट्टे वाला ऐप हो जाता है, या फिर कोई अदर ऐप जो कि गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया है, उस ऐप का प्रचार प्रसार आप करेंगे तो आपका आईडी डिमोनेटाइज हो जाएगा, आपके आईडी पे मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम आएगा और कुछ इस तरह से सब कुछ आपका रेड हो जाएगा। दोस्तों यहां पे जितना भी डिटेल्स बता रहे हैं आपको ध्यान से देखना, ये सभी डिटेल्स आपके काम में ही आने वाला है, क्योंकि आगे तो आपको इसका सलूशन बता देंगे और उस सलूशन से आप प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर से यदि आप कुछ इस तरह का गलती करेंगे तो दोबारा से आपके आईडी पे मोनेटाइजेशन इंपैक्ट आएगा, आपका सभी मोनेटाइजेशन टूल्स डिमोनेटाइज हो जाएगा और शायद वो ठीक भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अच्छे से सब कुछ को देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है, प्रोफाइल हैज सम इशू, मतलब आपके आईडी पे स्ट्राइक वगैरह आता है तो आपका आईडी का जो अर्निंग है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा, यहां पे देख सकते हैं इनका भी कर दिया गया है। उसके बाद आगे यहां पे जो होता है क्राउड फंडिंग का मतलब हो गया, यदि आप अपने फेसबुक पे वीडियो बना के किसी से उसमें पैसा मांगते हो, मतलब बहुत से लोग बीमार होते हैं तो उसके फेवर में बहुत से लोग पैसा मांगते हैं तो इनके इलाज के लिए पैसा दीजिए, तो कुछ इस तरह का वीडियो यदि आप डालते हैं तो आपका जो मोनेटाइजेशन है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। यदि आप किसी से पैसा मांगने वाला रील्स बना के डालते हैं तो आपका ऐड ऑन रील्स रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। यदि लॉन्ग वीडियो डालते हैं तो इन स्ट्रीम ऐड वहां पे डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। यदि आप अपने फेसबुक आईडी पे, गूगल पे, फोन पे या फिर किसी भी अदर ऐप का स्कैनर लगाते हैं जिससे आप पैसा मांगते हैं तो आपका जो आईडी है वो डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। इस सभी चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये सभी मेटा की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। यदि आप कुछ
इस तरह का वीडियो डालते हैं, रील्स डालते हैं, तो यहां पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से सब कुछ आपका रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। उसके बाद इसका अगला जो प्रोसेस होता है जिससे आपके आईडी पे मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम आ सकता है वो है मेडिकल इशू। मतलब कि आप फेसबुक पे कोई ऐसा वीडियो बना के नहीं डाल सकते हो जिसमें आप किसी दवाई वगैरह का प्रचार कर रहे हो, दवाई वगैरह के बारे में बता रहे हो, या फिर कोई ऑपरेशनल वीडियो, मतलब कि किसी व्यक्ति का फ्रैक्चर हो गया कोई चीज, उसका ऑपरेशन हो रहा है, उस तरह का वीडियो आप नहीं डाल सकते हो। एक्सीडेंट वाला वीडियो आप नहीं डाल सकते हो, किसी व्यक्ति का हाथ पैर कट चुका है, ट्रेन में कट गया या फिर कार बाइक दुर्घटना हो गया, तो इस तरह का वीडियो बना के आप नहीं डाल सकते हो। ये सभी जो है ये मेडिकल इशू में आता है। यदि आप इस तरह का वीडियो, फोटो या फिर एक्सीडेंट वाला रील्स वगैरह डालते हो तो आपका जो भी चीज से मोनेटाइज रहेगा वो सभी डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा, आपके आईडी पे मोनेटाइजेशन इंपैक्ट आ जाएगा। इस तरह का जो भी वीडियो होता है, मतलब मेडिकल इशू रिलेटेड और दवाई वगैरह का जानकारी देने वाला वीडियो, ये सिर्फ डॉक्टर वगैरह डाल सकते हैं, आप नहीं डाल सकते हो। आप अगर डालोगे तो फिर आपका आईडी खराब हो जाएगा, आपका आईडी डिमोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि आपका जो दवाई का इंफॉर्मेशन होगा वो गलत भी हो सकता है, इससे बहुत से व्यक्ति को नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए फेसबुक ने इसको बैन कर रखा है। यदि आप कुछ इस तरह का वीडियो डालोगे तो यहां पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आपका जो आईडी है वो डिमोनेटाइज हो जाएगा और आपका जो भी अर्निंग सोर्सेज रहेगा कुछ इस तरह से डिमोनेटाइज हो जाएगा, आप अर्निंग नहीं कर पाओगे फेसबुक से। तो दोस्तों कुल मिला के यही 5 से 6 पॉइंट है जिसपे आपको ध्यान देना है। इस तरह के वीडियोज वगैरह आपको नहीं डालना है, यदि आप डालते हैं तो आपके आईडी पे मोनेटाइजेशन इंपैक्ट आ ही जाएगा। जिसके आईडी पे नहीं आया है उसको ये नहीं सोचना है जो नहीं आएगा, ये बता के नहीं आएगा, अचानक से आएगा और फिर सब कुछ आपको डिमोनेटाइज करके चला जाएगा। तो इसीलिए इस तरह का वीडियोस वगैरह आपको नहीं डालना है। यहां पे हमने आपको जितने भी पॉइंट बताए ना, चलिए सबको आपके एक आईडी पे दिखा देते हैं जिस तरह के वीडियोस इन्होंने यहां पे पोस्ट किया है और उसके वजह से इनके आईडी पे मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम आ गया और इनका सभी जो टूल्स था वो डिमोनेटाइज हो गया है। यहां पे देख सकते हैं हमने इनका आईडी ओपन कर लिया। सिंपली देखिए हम यहां पे मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। यहां पे सिंपली क्लिक कर लिए, रील्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देखिए इन्होंने क्या किया, अपने फोटो पे सॉन्ग लगा के डाल दिया है। यहां पे देख सकते हैं अपने फोटो पे सॉन्ग लगा के डाला है जिसके वजह से इनके आईडी पे जो है रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी वाला मोनेटाइजेशन इंपैक्ट आ गया। मतलब ये सॉन्ग लगा के फोटो डाला ये सब रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आता है और इसी के वजह से इनके आईडी पे मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम आया है। अब चलिए सिंपली सी डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहां पे दिखाते हैं आपको जो इन्होंने और क्या-क्या गलती किया है और जो सभी गलती हम आपको बताए हैं वो सभी गलती इन्होंने किया है। प्रोफाइल रिकमेंडेशन पे हम क्लिक कर लिए, देन यहां पे देखिए इनके आईडी पे स्ट्राइक भी आया है और आपको हम वीडियो में बताए भी स्ट्राइक आएगा तो मोनेटाइजेशन इंपैक्ट आएगा और आपका जो भी टूल्स रहेगा वो डिमोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद यहां पे हम मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, देख सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन अनओरिजिनल कंटेंट का इशू है और आपको बताए भी अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आएगा तो मोनेटाइजेशन इंपैक्ट आएगा, आपका सभी मोनेटाइजेशन टूल्स डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। उसके बाद चलिए हम यहां पे जो है अनओरिजिनल कंटेंट पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं इनका जो एड ऑन रील्स है ये यहां पे डिमोनेटाइज कर दिया गया है। तो दोस्तों इसीलिए आपको ये सभी गलती नहीं करना है यदि आपके आईडी पे मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम नहीं आया है, तो नहीं तो गलती करिएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं तो जिनके आईडी पे मोनेटाइजेशन इंपैक्ट का प्रॉब्लम आ गया है, जिनका सभी टूल्स डिमोनेटाइज हो गया है कुछ इस तरह से, वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने आईडी पे जाना है, देन वहां पे चेक करना है तो जितना भी टॉपिक हमने यहां पे बताया है उस टॉपिक में से किस पे आपने गलती किया है, आपने रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी का वीडियो डाला है या फिर अनओरिजिनल कंटेंट का प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू है या फिर जितना भी बताया वो सभी चेक करना है। उसमें से जो भी प्रॉब्लम रहे, यदि रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी का वीडियो डाला है तो आपको उस वीडियोस को डिलीट कर लेना है, यदि आपकी आईडी पे कोई अदर इशू है तो उसको पहले ठीक करिएगा, यदि अनओरिजिनल कंटेंट है तो आपको अनओरिजिनल कंटेंट वाले वीडियो को डिलीट कर लेना है। जैसे कि इनके आईडी पे हमें इस सभी वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा, इन वीडियो को डिलीट करके करने के बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको भी यदि इस तरह का वीडियो है तो उसको डिलीट कर लेना है, टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरे तो उस सभी को भर लेना है। देन उसके बाद आपको यहां पे क्लिक करके सिंपली सी डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आपका इशू है ना उस इशू का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे कि यहां पे हम आपको बता देते हैं, सिंपली प्रोफाइल वाले पे क्लिक करके इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, यहां पे मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जितना भी प्रॉब्लम है सबका एक एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों इस वीडियो में जो है हम आपको रिपोर्ट करके नहीं बताएंगे, सिर्फ बता देते हैं जो कैसे रिपोर्ट करना है, उसमें क्या लिखना है। यदि आप लोग वीडियो पे कमेंट करते हैं तो एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जो इसको ठीक किया कैसे जाता है, इसमें तो हम आपको बताए जो ये प्रॉब्लम क्यों आता है, क्या गलती आपको नहीं करना है और लास्ट में थोड़ा सा ठीक करने का प्रोसेस भी बता दिए हैं। ज्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो इस प्रोसेस पे एक और अच्छा वीडियो हम बना के अपलोड कर देंगे और उससे 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसके बाद यहां पे देखिए आपको क्या करना है, सिंपली हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आके और यहां पे रिपोर्ट अ प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली यहां पे कंटिन्यू टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम
कॉलम पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहां से फेसबुक को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट में ऐसे ही कुछ नहीं लिख देना, अच्छे से आपको रिपोर्ट करना है। सिंपली डोंट इंक्लूड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यदि आपका पेज है तो पेज सेलेक्ट कर लिएगा, यदि प्रोफाइल है तो प्रोफाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिंपली इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, जितना भी प्रॉब्लम का आपने स्क्रीनशॉट लिया था सब आपको यहां पे अपलोड कर देना है। और यहां पे आपको अपने इशू को अच्छे से डिस्क्राइब करके बताना है। तो इशू को कैसे डिस्क्राइब करके बताना है, क्या लिखना है, ये भी आपको हम यहां पे थोड़ा सा बता देते हैं। यहां पे देखिए हम सिंपली जो यहां पे लिखे हुए हैं पहले से ही वो आपको दिखा देते हैं। यहां पे देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, ये चीज आपको सेम एज इट लिखना है। तो ये आपको मिलेगा कहां, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे डिस्क्राइब देखिए में क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, सब कुछ मिल जाएगा। आपको जो है वीक में कम से कम 4 से 5 बार रिपोर्ट करना है और अपना लाइव करना है, आपको लाइव भी करना है। यहां पे देखिए हमने इसमें लिख भी रखा है, हम यहां पे दिखाना थोड़ा सा भूल गए थे, देख सकते हैं इसका सोल्यूशन हमने लिखा हुआ है। यहां पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा इसका सोल्यूशन। देखिए सबसे पहले आपको वीडियो डिलीट करना है, जो भी कॉपी पेस्ट वीडियो है, जो भी डिस्ट्रैक्टेड कैटेगरी का वीडियो उसको डिलीट कर लेना है। अपना ओरिजिनल कम से कम 5 से 7 वीडियोस अपलोड करना है। फेसबुक पे कम से कम 5 से 7 फ्रेश लाइव करना है। 8 से 10 मिनट का फेस स्कैन वाला लाइव करना है, मतलब ऐसे लाइव आके और उसमें फेस दिखना है, कमेंट वगैरह पढ़ना है और फेस यहां पे आपको बोलना है, ऐसे ही कहीं पे रखने ही देना है लाइव को चालू करके। 5 से 7 मिनट का कम से कम 5 से 6 लाइव होना चाहिए। उसके बाद आपको रिव्यू रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस रिव्यू रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रिव्यू में भेजना है। जैसे कि देखिए यहां पे हम आपको दिखा देते हैं एक रिव्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपको भी सेम इसी तरह से देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके और रिव्यू रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। यदि आपने पहले से ही रिव्यू रिक्वेस्ट भेज दिया है तब आपको क्या करना है, तो फेसबुक को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट कैसे करिएगा, देखिए यहां पे एक रिव्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना, इन्होंने पहले से ही भेज दिया है तो भी इनका ठीक हो जाएगा, इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट किस तरह से करिएगा, तो उसके लिए आपको हम बता ही दिए हैं, वो चीज आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां से उसको कॉपी करके स्क्रीनशॉट लगा के रिपोर्ट कर दीजिएगा या वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, तो इस पे एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे। जैसे ही वीक में आप 4 से 5 बार ऐसा करिएगा आपका ये सभी ग्रीन हो जाएगा, साथ ही साथ आपका जो भी अर्निंग सोर्स रहेगा वो सभी भी इनेबल हो जाएगा, आपका एड ऑन रील्स भी इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप जो है मोनेटाइजेशन इंपैक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यदि प्रॉब्लम नहीं आया है तो ये प्रॉब्लम आने से बच सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कितना ज्यादा मेहनत लगा इसका जो रिकॉर्ड है वो बनाने में और वीडियो को बनाने में, तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही फेसबुक से जुड़ी और भी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।